नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन और आप देख रहे हैं भरत जैन के इस यूट्यूब चैनल को। लास्ट वीक सूरत के अंदर एक बहुत ही भयंकर हादसा हुआ, जिसके अंदर आग लगी तक्षशिला बिल्डिंग के अंदर। वराछा वो एरिया था जहां पर करीबन 22 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। वो जान गंवाने के पीछे के रीजन क्या थे उसकी तरफ हम नहीं चलेंगे, लेकिन आगे ऐसे हादसे ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और उसके लिए सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और प्रशासन ने जो भी स्ट्रिक्ट रूल बनाए हैं उस रूल के हिसाब से हमको क्या करना चाहिए। अब वो जो रूल बने हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आज हम आपको मिलवाने वाले हैं चिन्मय देसाई, जो कि ये फायर सेफ्टी कंसल्टेंट हैं, जिनको SMC सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अप्रूव्ड भी किया हुआ है। तो उनसे हम समझते हैं, जो आप लोग इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे हो, कहीं से कुछ भी चीजें ला रहे हो, ठीक है, और सब लोग अपना पैसा बनाने के लिए आपको कोई भी चीजें बेचे जा रहे हैं बिना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के, तो आपको अब क्या करना है, इसीलिए ये पूरा वीडियो बना रहा हूं। अंत तक हमारे इस वीडियो को देखिए, आपके जितने भी सवाल हैं उसके जवाब हम मोस्ट ऑफ इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं चिन्मय देसाई से। चिन्मय जी, आपके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ब्रीफ करिए। नमस्ते भरत जी और नमस्ते आपकी सारी दर्शकों को। मेरा नाम चिन्मय देसाई है, मेरी कंपनी का नाम है नॉर्दर्न स्टार इंजीनियरिंग। हम लोग SMC की तरफ से फायर एंड सेफ्टी कंसल्टेंट की तरह से हम लोगों को अपॉइंट किया गया है ऑफिशियली। ओके, तो चिन्मय जी सबसे पहले ये बताइए हमें कि अभी जो SMC जो एक्शंस ले रही है वो कौन-कौन सी प्रीमाइसेस को प्रायोरिटी में रख रही है। मतलब अगर बोला जाए कि हर जगह पर कंपलसरी तो है ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी जो प्रायोरिटी आ रही है वो कौन-कौन सी जगह है। अभी जो हादसा हुआ, दुखद हादसा हुआ, वो दुखद हादसे के बाद SMC ने अभी सारे क्लासेस को, जो गांधीनगर से सीधा ऑर्डर है, वो सारे क्लासेस को अभी उन्होंने जो है नोटिस दिया गया है कि आप अपने प्रीमाइसेस में फायर सेफ्टी की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाइए और उसके लिए कंसल्टेंट को हायर करिए, उनसे चेक करवाइए और फिर आप अपना क्लासेस शुरू कर सकते हैं। वो बात उन्होंने SMC ने अभी क्लासेस के ऊपर उनका मेन फोकस है। मतलब कि आप समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा अभी जो प्रायोरिटी दी गई है वो क्लासेस को, जो छोटे स्कूल्स हैं उन स्कूल्स को दी गई है, इसके बाद में जो पब्लिक प्लेसेस है, राइट, हॉस्पिटल्स और समथिंग, और जो हॉस्पिटल्स है, हॉल्स वगैरह है, उन लोगों को अभी बहुत सारी जो है प्रायोरिटी दी गई है, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस में ये सारा हादसा होने के चांसेस भी ज्यादा है और वहां पे ये सारे प्रॉब्लम्स भी ज्यादा हो सकते हैं। फायर रिगार्डिंग जान हानि का बहुत बड़ा वहां पे नुकसान हो सकता है। तो अब चिन्मय जी, हमारा जो दूसरा सवाल है, फायर सेफ्टी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर उपकरण है, वो कौन कौन से उपकरण हैं जो कंपलसरी होते हैं कि जो आपको बिल्डिंग के अंदर लगाने बहुत ही जरूरी है। ठीक है भरत जी, इसके बारे में पहले एक चीज बता दूं, फायर में दो तरह की सिस्टम होती है, एक होती है एक्टिव सिस्टम, एक होती है पैसिव सिस्टम। एक्टिव सिस्टम की बात करें तो जिसमें हाइड्रेंट सिस्टम लगती है, स्प्रिंकलर सिस्टम लगती है। हाइड्रेंट मतलब जो पाइपिंग जो होती है जिसके थ्रू फायर ब्रिगेड के या फिर पंप के थ्रू जो पानी की जो लाइन होती है उसकी बात करें। हाँ जी, हाँ जी, जो पानी का वर्टिकल लाइन लाल कलर का रहता है, जो हर एक बिल्डिंग में मोस्टली रहता है, वो पाइप उसकी बात कर रहा हूँ। उसके साथ पंप जुड़ा रहता है, वो टंकी होती है, स्पेशल फायर की टंकी होती है, जो बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन के टाइम वहाँ पे अलॉट की होती है, वो चीज हाइड्रेंट सिस्टम की बात कर रहा हूँ। बेसमेंट के अंदर स्प्रिंकलर सिस्टम लगती है, उसकी बात कर रहा हूँ। होटल्स वगैरह में हर एक रूम में स्प्रिंकलर सिस्टम लगते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। और जो पैसिव सिस्टम है, पैसिव सिस्टम में आ गया सर हमारा अलार्म सिस्टम, जो आपको सिर्फ अलार्म करेगा कि भाई यहाँ पे कुछ हुआ है, ताकि आप भाग सके, निकल सके यहाँ से। ओके, और जो फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जो बातें चल रही है, तो वो भी इसमें कंपलसरी है। हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो कंपलसरी ही है, चाहे आपका छोटा प्रीमाइसिस हो या बड़ा प्रीमाइसिस हो, आग कहीं भी लग सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं रहता। तो ये सब इतनी चीजें अनिवार्य है कि आपको एक्सटिंग्विशर तो रखने ही रखने हैं। सबसे बड़ा भी सवाल ये आ रहा है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर जो सिस्टम है उसमें कोई बोलता है ABC लगाओ, कोई बोलता है CO2 लगाओ, या फिर कई लोग बोलते हैं भाई एक ABC लगाने से भी हो जाएगा, तो उसके बारे में क्या मानना है आपका, उसके क्राइटेरिया क्या क्या है? उसमें क्राइटेरिया में ऐसा है भरत जी कि जो 1000 square feet है, 1000 square feet और उससे बिलो अगर कोई भी प्रीमाइसिस है इंडिविजुअल, तो उनको एक ABC और एक CO2 रखना है, 6 किलो का, 4.5 किलो का CO2 रखना है। उसमें अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊं तो क्लासेस वगैरह है जिसमें 10 साल से कम के बच्चे हैं, तो उसमें 2 किलो का ABC और 2 किलो के CO2 रखने होते हैं, ताकि वो बच्चे
बच्चे या उनके आसपास रहे टीचर्स वो उठा सके। ओके, अब एक चीज और सामने आ रही है कि बहुत सारे CO2 या फिर ABC के जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, कोई अलग रेट में दे रहा है, कोई अलग रेट में दे रहा है, तो इसके पीछे का भी कोई बोल सकते हैं क्राइटेरिया है कि ये ABC इसी लेवल का होना चाहिए, इसी स्टैंडर्ड का होना चाहिए। जो भी आप प्रोडक्ट खरीदे वो ध्यान रखें कि वो ISI हो, अप्रूव्ड कंपनी का हो, और उसमें अगर ABC खरीद रहे हैं तो सिर्फ पाउडर ना हो, उसके अंदर अमोनियम फॉस्फेट की मात्रा होनी अनिवार्य है, जो 50% तय की गई है SMC द्वारा कि कम से कम 50% MAP होना चाहिए ही चाहिए। 100% MAP इज मोस्ट प्रेफरेबल, आपको वही रखना है, लेकिन रेट क्राइटेरिया को देखते हुए 50% इज मिनिमम अलाउड। मतलब कि अगर आप समझ लीजिए कि अगर आप क्लासेस चला रहे हैं या फिर आप कोई पब्लिक प्लेसेस में, इवन अगर आपके पास में कोई ऑफिस है, तो आपको सबसे पहली चीज फायर एक्सटिंग्विशर है जो आपको रखने हैं, जिसके अंदर ABC और CO2 दोनों रखने हैं। यहां पर चिन्मय जी ने बहुत ही क्लियर कर दिया है, अगर आपकी ऑफिस 1000 स्क्वायर फीट से छोटी है तो आपको आपकी ऑफिस के अंदर एक ABC और एक CO2 की बोतल रखनी है। अगर उस 1000 स्क्वायर फीट की क्लास के अंदर अगर बच्चों की जो उम्र है वो अगर 10 साल से कम की है तो आपको 2 kg का ABC और 2 kg का CO2, वो भी बच्चों की हाइट में जहां तक इजीली पहुंच पाए वहां तक आपको रखना है। सही बात है। अगर इसके ऊपर की अगर बात करें तो 1000 स्क्वायर फीट से बड़ी क्लास है और उम्र जो है बच्चों की वो भी 10 साल से ज्यादा है, तो वहां पर क्या क्या सिस्टम्स लगाने होंगे? वहां पे आपको ABC 6 kg का, CO2 4.5 kg का लगवाना होता है। अगर क्लासेस ऐसी है जो 1 या 2 माले रखती है, उसके अंदर 1 या 2 माले है या 3 माले है, तो उनको अलार्म सिस्टम भी अनिवार्य। और मल्टीपल अगर समझ लो सेमी फ्लोर के ऊपर 5 क्लासेस है, तो अगर सेम फ्लोर के ऊपर 5 क्लासेस है तो उनका एंट्री एग्जिट व्यवस्थित होना चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, ताकि ऐसे संजोगों में वो मतलब आप समझो कि बाहर निकल पाए धुआं, आप खुद भी बाहर निकल पाओ, ये सारी व्यवस्था वेंटिलेशन की होनी बहुत अनिवार्य है। ओके, तो ये जो स्मोक डिटेक्टर्स, जो फायर अलार्म सिस्टम की बात करते हैं, वो कहां पर लगाना है लोगों को? स्मोक डिटेक्टर जो है आपको वो 250 स्क्वायर फीट का क्राइटेरिया रहता है, एक स्मोक डिटेक्टर आपका 250 स्क्वायर फीट कवर करता है नेशनल बिल्डिंग कोड के मुताबिक, तो वो आपको उस मुताबिक वहां पे लगवाना है। अलार्म सिस्टम इसलिए लगाना है भरत जी कि मान लो कि आप नीचे क्लास में बैठे, ऊपर फायर हुआ है, आप अपने ऑफिस में, आपको पता ही नहीं कि फायर हुआ है, तो अलार्म सिस्टम की वजह से आपको पता चलेगा कि यहां पे फायर हुआ है, तो इसीलिए अलार्म सिस्टम अनिवार्य है ताकि पता चले सबको। मतलब एक चीज और यहां पर क्लियर है कि अगर आपकी क्लासेस 1000 स्क्वायर फीट से कम है तो आपको फायर अलार्म सिस्टम की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, राइट? हां जी। और अगर 1000 स्क्वायर फीट से अगर आपकी क्लास बड़ी है तो फिर आपको फायर अलार्म सिस्टम भी कंपलसरी है। मतलब यहां पर हो गया आपको एक तो फायर एक्सटिंग्विशर्स की बॉटल्स, दूसरा हो गया आपके लिए फायर अलार्म सिस्टम, और जो तीसरा आप हाइड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रेंट आता है वो बिल्डिंग जिसकी है, या तो बिल्डिंग हो सकती है, समझ के चलते हैं कि सोसाइटी अगर फॉर्म हुई है तो सोसाइटी के अंतर्गत वो बिल्डिंग आती होगी, या फिर बिल्डिंग बिल्डर के अंतर्गत आती होगी, तो उन लोगों को ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगवाना है, am I right? हाँ जी। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं तो फायर हाइड्रेंट सिस्टम जो अपना क्राइटेरिया है वो 15 मीटर के प्लस जो भी सारे 15 मीटर मतलब 15 मीटर की बात कर रहे हैं, 15 मीटर के ऊपर है, उनको फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगाना अनिवार्य है। अगर बिल्डिंग बनते टाइम बिल्डर ने आपको प्रोवाइड किया है तो दैट इज बेस्ट, अगर नहीं है, पुरानी बिल्डिंग है जब शायद नियम कानून नहीं थे या थे तो इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, तो उसकी बात करूं तो तब आप ये फायर सिस्टम जो है अभी जो आपकी सोसाइटी बनी हुई है जिसके अंदर एक प्रमुख, एक सेक्रेटरी हो, तो वो सब मिलके, आपकी पूरी कमेटी मिलके वो सब आप अभी इंस्टॉल करवा सकते हैं, क्योंकि अभी वो पूरा पूरा अनिवार्य है। तो चिन्मय जी, ये तो बात हो गई जो इंस्ट्रूमेंट्स जो लगने वाले हैं फायर से रिलेटेड, जो आपको बिल्डिंग में या फिर आपके ऑफिस में या फिर आपकी क्लासेस में लगाने हैं। अब मुद्दे की बात करते हैं कि जहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और बहुत कंट्रोवर्सी जैसा कुछ चल रहा है कि लोगों को पता नहीं है कि जो कागजी कार्रवाई है, कई जगह पर सील लगा दी गई है, कई जगह पर नोटिस लगा पहुंचा दिए गए हैं। सही है, ठीक है। तो अब जहां पर नोटिस पहुंचे हैं उन लोगों को क्या क्या करना है, ठीक है, और जहां पर सील लगी है उन लोगों को क्या क्या करना है, तो उनके लिए क्या कागजी कार्रवाई होगी, उनको कहां पर जाना होगा, कहां पर एप्लीकेशन देनी होगी, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी भरत जी, ऐसा है कि जिन जिन लोगों को नोटिस मिली है उनको फायर की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवानी है जो क्राइटेरिया हमने अभी पहले बताया उस मुताबिक। अगर उन लोगों ने सारी फायर की वो चीजें उपलब्ध करवाई है तो उनके साथ उनको उनका सर्टिफिकेट रखने हैं, जो भी उन्होंने फायर सेफ्टी उपकरण रखे उनके, हम जैसे जो भी कंसल्टेंट है, 12 कंसल्टेंट नियुक्त
किए गए हैं टोटल, वो 12 में से कोई भी कंसल्टेंट को बुला के विजिट करवा के वो चेक करवा के आप उनसे फॉर्म बी ले सकते हैं। फॉर्म बी के द्वारा वो कंसल्टेंट सर्टिफाई करेंगे कि ये जो भी है उन्होंने विजिट कर लिया है और सारी सुविधा फायर सेफ्टी के उपकरण से सही है, तो वो उनको साइन करके सर्टिफाई करेंगे। ये चीज सारी चीज बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो भी है सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके उनको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर एक बाहेदरी यानी अग्रीमेंट पेपर देना है, वो उनको एसएमसी में जमा करवाना है मेन ऑफिस में। ये जमा करवाने के बाद ही उनको एनओसी में। ओके, ये जो मेन ऑफिस है वो मुगलीसरा में है। हाँ, मुगलीसरा मेन ऑफिस में उनको जमा करवाना है। ओके, एक तो हो गया उनका जो फॉर्म बी आपने जो बताया। हाँ, तो ये जो फॉर्म बी है वो क्या है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल ड्राइव का लिंक है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे इस चैनल पे जाके, आपको समझ में आ जाएगा कि वो फॉर्म बी क्या है। और एक और फॉर्म का आपने नाम लिया था, वो कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 16 है। ओके, फॉर्म 16 जो है, जो बड़ी बिल्डिंग है जहां पे फायर सेफ्टी की सुविधा है ही नहीं, वहां पे फायर सेफ्टी की सुविधा उपलब्ध करवाने के बाद वो फॉर्म 16 भी साइन करना रहता है। अब यहां पर दो चीजें आती है, अगर मैं एक ट्यूशन क्लासेस का संचालक हूं, ठीक है, तो मैंने अपने यहां पर फायर एक्सटिंग्विशर लगवा दिए जो नॉर्म्स के हिसाब से हैं, मैंने अलार्म सिस्टम भी लगवा दिया, ठीक है, मैंने वहां पर साइनेज की सुविधा करवा दी, एग्जिट वेग्जिट सब कुछ मैंने करवा दिया है, ठीक है, लेकिन मेरी बिल्डिंग जो है जहां पर सिचुएटेड है वहां पर एनओसी फायर की नहीं है, तो क्या मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू कर पाऊंगा? सर, ये एक ऐसा सवाल है कि जिसमें आपको अपने बिल्डिंग में फायर की सुविधा उपलब्ध करवानी ही है, अगर आपने उसका काम किसी को दे दिया है तो एसएमसी को वो नोटिफाई कर दीजिए कि हमने काम शुरू करवा दिया है। उसके लिए भी आपको एक अग्रीमेंट पेपर ही करना है और किन एजेंसी को काम दिया है उनका कोटेशन साथ में रखना है और ये सारी चीजें आपको एसएमसी में जमा करवानी है। उसके बाद उनकी परवानगी के बाद ही आप क्लास शुरू कर पाएंगे, एसएमसी की परमिशन बिना हम क्लास शुरू नहीं कर पाएंगे। तो ये जो परमिशन है एसएमसी की वो कब तक मिल जाएगी? अगर मुझे सिर्फ नोटिस मिली है मतलब मेरी क्लास के ऊपर सील नहीं लगा है, बराबर है, ठीक है, मैंने सुविधा सब करवा दी है, बराबर है, ठीक है, अब मुझे क्लास कब मैं शुरू कर सकता हूँ? आप सारी एप्लीकेशन करके अग्रीमेंट पेपर बना के कंसल्टेंट हायर करके उनसे फॉर्म साइन करवाने के बाद सारी सुविधा उपलब्ध करवाने के बाद आप क्लास शुरू कर सकते हैं। जब तक बहुत बड़ी सिटी है सर हमारी, बहुत सारे ट्यूशन क्लासेस है तो वो सबको पहुंचने में टाइम लगेगा, कंसल्टेंट को भी और एसएमसी को भी। तो ये सारी चीजें को लिए ध्यान में रखते हुए एनओसी के लिए टाइम लेते हुए हम लोग अभी क्लास शुरू कर सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ हमको एनओसी जब मिलेगा, जब कंसल्टेंट आएंगे वो सब देखेंगे, उसके बाद एसएमसी में अप्लाई करने के बाद ही एनओसी मिलेगा हमको, लेकिन क्लास शुरू कर सकते हैं। ओके, एक चीज यहां पर और बता दूं कि जो सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो 12 कंसल्टेंट हायर किए हैं आप उनसे तो काम करवा ही सकते हैं, लेकिन ये कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको सिर्फ उनसे ही काम करवाना है। अगर जो भी फायर सेफ्टी से रिलेटेड अपना बिजनेस कर रहा है, काफी अच्छा है उसका नॉलेज, आप उनसे काम करवा सकते हो, लेकिन उसके ऊपर वो जो आपने काम करवाया है उसके ऊपर जो साइन अथॉरिटी रहेगी वो कंसल्टेंट की होगी, वो कंसल्टेंट साइन करेंगे, वो अप्रूव करेंगे कि हाँ नॉर्म्स के हिसाब से आपने जो काम करवाया है वो परफेक्ट है, तो ही आप आगे एनओसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर बिल्कुल किसी अफवाह में ना आइएगा कि सिर्फ 12 ही लोग हैं और वो 12 लोग ही काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में भी काफी सारा लोड होगा, हो सकता है वो टाइम ना दे पाए, लेकिन आप जो दूसरे जो कंसल्टेंट हैं जो भले ही अप्रूव नहीं है लेकिन इस डिपार्टमेंट के अंदर इस सिस्टम इंटीग्रेशन के अंदर काम कर रहे हैं आप उनसे काम करवा सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी, आप सिस्टम किसी से भी खरीद सकते हैं, इंस्टॉल किसी से भी करवा सकते हैं सर, लेकिन उसका अप्रूवल जो है वो कोई कंसल्टेंट ही दे पाएगा, उसके अलावा और कोई नहीं दे पाएगा। जो 12 नाम है वो सारे नाम फ्लोट किए गए हैं, एसएमसी के ऑफिस में भी है, आप उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं ताकि ये सब आपके सारे दर्शक उन सभी के नाम जान पाए, नंबर्स वगैरह जान पाए, उनके ऑफिस एड्रेस जान पाए। तो अब बात करते हैं चिन्मय जी, अब मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि ठीक है ये तो नोटिस वालों की बात हो गई, लेकिन जिनकी क्लास पे सील लग गया है मतलब जो ओपन नहीं कर पाएंगे अभी, ठीक है, तो उन लोगों को क्या करना है? उन लोगों को भी सर एक अग्रीमेंट पेपर बनाना है कि उन्होंने फायर सेफ्टी की सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। लेकिन वो करवाएंगे कैसे, उनके यहाँ पे तो सील लग गया है? बराबर, वही बता रहा हूँ सर कि उन लोगों ने किसी को हायर किया है, उन लोगों ने उसका ऑर्डर दे दिया है सारी चीजों का, वो ऑर्डर का कोटेशन वहां पे रखना है, उनका ऑर्डर का कंफर्मेशन उनके साथ रखना है, अग्रीमेंट पेपर रखना है। ये सब रखने के बाद वो ये सारी चीजें एसएमसी में जमा जैसे ही करवाएंगे, इसके लिए भी मुगलीसरा में ही जाना पड़ेगा। हाँ जी सर, वो वहां पे ही जाना है वहां पे। और अभी एक जो मान दरवाजा पे लोग जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? मान दरवाजा पे एप्लीकेशंस ग्रहण की जाती है सारी,
जो नॉर्मल एप्लीकेशन है वो सारी मान दरवाजा पे ग्रहण की जाती है, लेकिन जो सील लगे हुए हैं वो आपको मुगलीसरा से ही डायरेक्ट खुलवाना पड़ेगा, तो आपका खुलेगा सर सील। एक चीज और है जो कि हम न्यूज़पेपर में हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं कि जो बेसमेंट में जो क्लासेस हैं उसके बारे में क्लेरिटी क्या है आपकी? बेसमेंट में जितने भी क्लासेस हैं जो बंद है, मतलब ऊपर से बंद है, बेसमेंट अंडरग्राउंड में है, वो सारे क्लासेस अलाउड नहीं है सर। वहां पे आप क्लासेस की कार्यवाही नहीं कर सकते, आप बच्चों को बेसमेंट के अंदर नहीं पढ़ा सकते। तो वो सारे क्लासेस के संचालकों को हमारी विनती है कि आप कोई और जगह ढूंढ ले, ऊपर ही ढूंढ ले, ताकि आप अपना जो भी है एजुकेशन कंटिन्यू कर पाए। बेसमेंट में क्लास अलाउड बिल्कुल नहीं है सर। अब बेसमेंट दो से तीन तरह के होते हैं जहां तक मेरा आइडिया है। एक बेसमेंट होगा जो कम्प्लीटली पैक होगा, हाँ जी, और कुछ बिल्डिंगें ऐसी है जहां पर बाहर से ही सीढ़ियां दी हुई है अंदर उतरने की, हाँ जी। तो उसके बारे में क्या क्लियर है? जो बाहर से सीढ़ियां दी गई, मतलब वहां पे वेंटिलेशन सही है, ओपन टू स्काई है। अगर ओपन टू स्काई, जिसको बेसमेंट ना बोल के लोअर ग्राउंड बोला जाए, तो वो लोअर ग्राउंड में क्लासेस आपके अलाउड है, लेकिन अंडरग्राउंड में आपके क्लासेस बिल्कुल अलाउड नहीं है, आप वहां पे क्लासेस शुरू नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को काफी क्लेरिटी मिल गई होगी, क्योंकि जो अभी एक रूमर जो चल रहा है पूरे के पूरे सूरत के अंदर कि अब क्या करें क्या ना करें, तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको मोस्ट ऑफली जो बेस्ट पॉसिबल आपके जो सॉल्यूशन है वो देने की हमने कोशिश की है। जैसे कि आपको फायर एक्सटिंग्विशर लगवाने हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर नॉर्म्स के हिसाब से 50% वाला जो रेशो है वो आपको मेंटेन करना है। 1000 square feet से अगर ऊपर का आपका एरिया है तो वहां पर आपको स्मोक डिटेक्टर और फायर एक्सटिंग्विशर दोनों लगवाने हैं। अगर आपकी बिल्डिंग है तो वहां पर अगर 115 मीटर से ऊपर की अगर बिल्डिंग है तो वहां पर आपको फायर के हाइड्रेंट सिस्टम लगवाने हैं। वो लगवाने के बाद में उसकी जो भी एप्लीकेशन है वो ₹50 के जो ₹50 के जो स्टैम्प पेपर है उसके ऊपर लिखवा के आपको SMC मुगलीसरा में सबमिट करना है। इसके बाद में आप क्लासेस शुरू कर सकते हैं। तो आपका हमारा ये वीडियो देखने के लिए और चिन्मय जी हमारे दर्शकों के साथ में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भरत जी। और हमारे चैनल पर आप इसी तरह से बने रहिए। हमने और भी फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज किया जाता है उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, और आई बटन के अंदर भी हमारे वीडियोस हैं आप फायर से कैसे बच सकते हैं। और अदर कोई भी सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि वो लोग भी अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ पाए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो आगे और भी लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।